अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 फ्लेवर्स की कुल्फी बनाने जा रहे हैं। इस कुल्फी में हमें कंडेंस मिल्क, क्रीम या मावा इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस हमें सिर्फ इसमें दूध और गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है, इसीलिए ये कुल्फी बहुत ही सस्ती बनती है, लेकिन हाँ टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। आइए कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में हमें 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है, जिसमें से हम ये 800 ml दूध को गर्म करने के लिए रखे हैं। 200 ml हमने अलग करके रखा है, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर 5 मिनट से दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिल्क यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है उसे आप यूज़ करें। दूध में हमें अच्छी तरह से उबाल आने देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। हम अभी फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये 800 ml दूध है, हम इसे 500 ml होने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट अगर हम इसे पकाएंगे तो ये 500 ml हो जाएगा। बस बीच में हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे और नीचे दूध चिटक ना जाए। इस तरह से हमें साइड से मलाई को स्क्रेप कर देना है और इसे दूध में ही डाल देना है। जब तक हमारा दूध पकता है हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। हम इसे दूसरे गैस पर रख देंगे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए। हमारा दूध पकता है तब तक हम गेहूं के आटे को भून लेते हैं। हमने एक छोटी कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। हम इसमें 2.5 टेबल स्पून यानी कि 2.5 टेबल स्पून गेहूँ का आटा डाल देंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, बस इसी तरह से इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनना है। बस फ्लेम को लो रख के हमने 2 से 3 मिनट इसे कंटिन्यूस चलाकर भून लिया है। इतना ही भूनना है हमें। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने आटे को इसमें निकाल लिया है भून करके। यहाँ पर जो 200 ml दूध हमने साइड पर रखा था वो दूध इसमें डालकर हमें इसकी एक स्लरी तैयार करनी है। दूध को हमें रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और मिलाते रहना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गांठे बन जाए। आप चाहें तो इस तरह से एक विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से बीट करें। अच्छी तरह बीट करना ज़रूरी है, वरना इसमें गांठे बन सकती है। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूध अच्छी तरह से पक चुका है। 15 से 20 मिनट हमने इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाया है। फ्लेम को हम लो रखेंगे और जो आटे और दूध की स्लरी हमने तैयार की है वो मिक्सचर हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से। धीरे धीरे करके हमने तमाम मिक्सचर इसमें पोर कर दिया है और इस तरह से हम इसे चला रहे हैं हल्के हाथों से। फ्लेम को हमें अभी हाई नहीं करना है, बस लो पर ही इसे 4 से 5 मिनट चलाते हुए पकाना है। 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है तमाम मिक्सचर, आप देख सकते हैं। हम अब इसमें शक्कर डाल देंगे। यहाँ हम 4 टेबल स्पून भरकर शक्कर यूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और डाल दें। 4 टेबल स्पून शक्कर यानी कि 1/3 कप शक्कर, 1/3 कप शक्कर। चलाते हुए शक्कर के मेल्ट होने तक हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना। बस 2 से 3 मिनट हमने इसे चलाते हुए पकाया है। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। एक बार आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख लें, इस तरह से थिक होना चाहिए ये। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छा गाढ़ा भी हो गया है। हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दें और उसमें डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर अच्छी तरह से बीट करें 2 से 3 मिनट। हमने अच्छी तरह से इसे बीट किया है। ये बहुत अच्छा स्मूथ और क्रीमी हो गया है। बस ये आपका कुल्फी का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आपका मलाई कुल्फी का बेस है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा इलायची पाउडर या केवड़ा वाटर डाल दें और इसे इसी तरह सेट कर दें तो आपकी मलाई कुल्फी बन जाएगी।
या तो आप चाहें तो हमारी तरह इसमें अलग अलग फ्लेवर्स डाल दें, जो भी आप चाहें और जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और कई किस्म की कुल्फियाँ बना लें। ये आप पर डिपेंड होता है, आप जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। आइए हम कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में हमें कुल्फी का बेस ले लेना है। हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा ज़्यादा बेस लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप पर डिपेंड करती है, आप कौन से फ्लेवर की कितनी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उतना कुल्फी का बेस यूज़ करें। हम इसमें मैंगो का पल्प डाल देंगे। मैंगो की स्लाइसेस को मिक्सर में डालकर हमने इसका पल्प बना लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून। अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। बस हमारा मैंगो कुल्फी का बेस तैयार हो चुका है। हम अभी इसे सेट करते हैं। हम इस तरह के मोल्ड्स में इसे जमाने वाले हैं। आप जिस किसी भी बर्तन में चाहें इसे जमा सकते हैं। आप कुल्फी के मोल्ड्स में जमा सकते हैं या चाहें तो बस नॉर्मल एयरटाइट कंटेनर्स में भी जमा सकते हैं। एक बोल में हम थोड़ा और कुल्फी का बेस डाल देंगे। हम यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर की कुल्फी बना रहे हैं। हम इसमें 1 से 2 बूंद ग्रीन कलर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। 1 से 2 टेबलस्पून कूटे हुए पिस्ते भी डाल देंगे। आधी चुटकी इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। अच्छी तरह से मिला लेना है। हमारा पिस्ता फ्लेवर तैयार हो चुका है। हम इसे मोल्ड्स में सेट करने के लिए रखेंगे। हम यहाँ पर अब चॉकलेट की कुल्फी बना रहे हैं। कुल्फी का बेस हमने बोल में निकाल लिया है। हम इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे माइक्रोवेव में। आप चाहें तो गैस स्टोव पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट डालने वाले हैं। हमने इसे हल्का सा गर्म किया है। हम इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल रहे हैं। 3 से 4 पीसेस डेयरी मिल्क चॉकलेट की डाल रहे हैं। साथ में हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो डेयरी मिल्क चॉकलेट स्किप कर दें या कोको पाउडर स्किप कर दें, दो में से कोई भी एक चीज़ डालें। अगर आप सिर्फ कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून यूज़ करें। अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है। हम अब इसे सेट करेंगे। और अगर आप चॉकलेट और वो दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर 1/2 टीस्पून यूज़ करें, काफ़ी है। आप चाहें तो इसमें चॉको चिप्स डाल सकते हैं या डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं, जो भी आप चॉकलेट पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिंकिंग चॉकलेट है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। हम अब रोज़ फ्लेवर की कुल्फी बनाकर तैयार कर रहे हैं। हम इसमें थोड़ा रोज़ का सिरप डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून डालेंगे। आपके पास जो भी फ्लेवर अवेलेबल हैं आप ऐड करें। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर लें, या स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर अगर आपके पास है, आप स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम आसानी से बना सकते हैं। बस 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी का क्रश इसमें डाल दें। हमारी रोज़ कुल्फी भी बनकर तैयार हो गई है। हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। बचा हुआ कुल्फी का बेस हमने इसमें भर लिया है। हमें प्लेन कुल्फी बहुत अच्छी लगती है, हम इसमें कोई फ्लेवर्स नहीं डालेंगे, बस इसी तरह प्लेन मलाई कुल्फी बनाएंगे इसकी। हमने 10 कुल्फियां बना करके तैयार कर ली हैं 1 लीटर दूध में। हम इसे सिल्वर फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो ये जगह पे क्लिंग फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप प्लास्टिक से इसे कवर कर दें और फिर रबर बैंड को इधर लगा दें। हमने सारी आइसक्रीम्स पर इस तरह से सिल्वर फॉइल लगा लिया है। हम अब इसके बीच में स्टिक्स रख देंगे। एक नाइफ की मदद से हम इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे, बस इस तरह। इसमें हम आइसक्रीम स्टिक को खड़े रख देंगे ऐसे। इसी तरह हम सारे मोल्ड्स में स्टिक्स को लगा लेंगे।
हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे कम से कम लग जाएंगे। बेहतर है आप पूरी रात के लिए इसे रख दें। अक्सर हमें व्यूअर्स कमेंट करके पूछते हैं कि उनकी कुल्फ़ी क्यों नहीं जमती। कुल्फ़ी नहीं जमने की रीज़न ये है कि इसमें शक्कर की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। शक्कर की मात्रा ज़्यादा होने से अगर आप 2 से 3 दिन भी कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो सेट नहीं होगी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कुल्फ़ी बनाएं तो शक्कर का ध्यान रखें, ज़्यादा शक्कर ना डाल दें, इससे कुल्फ़ी नहीं जमती। आठ से दस घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कुल्फी बन करके तैयार हुई है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।